फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लीनिंग ब्लॉग। तो आज मैं करूँगी अपने रूम की क्लीनिंग, क्योंकि मेरा रूम जो है काफ़ी गंदा हो गया है। और क्लीनिंग के साथ मैं आप लोगों से कुछ बातें करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मुझे करनी है आप लोगों से, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और जो भी प्लीज़ मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। और चलिए, मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि मेरे घर का क्या हाल है, तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा। आज मैं करने वाली हूँ वॉल की क्लीनिंग, यानी कि मेरे जो दीवार है वो काफ़ी गंदा है। ये देखिए, काफ़ी बच्चों ने दाग कर दिया है, कहीं पेन से लिखा हुआ है तो कहीं कलर से, तो सब जगह बहुत दाग है। तो बस मुझे इसकी क्लीनिंग करना है और मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखिए, ये पेन वगैरह के दाग हैं, प्लस पता नहीं क्या है, बहुत गंदा हो चुका है दीवार। तो मैं आज इन्हीं की क्लीनिंग करूँगी, यानी कि अपने वॉल्स की क्लीनिंग करूँगी। आज मैं ये आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो आप देखिए कितना गंदा है, और जब मैं क्लीनिंग कर लूँगी तब आप देखिएगा। तो मैं साथ में आप लोगों से मैं कुछ बातें करूँगी, तो बस वीडियो पे बने रहिएगा। प्लीज़ वीडियो को छोड़ कहीं मत जाइएगा। तो यहाँ पे मैंने सफ़ाई के लिए तीन चीज़ें ली हैं, जो कि यहाँ पे मैंने डिटर्जेंट लिया है और छोटा सा एक कपड़ा लिया है, थोड़ी सी पानी ली है, और बस यहाँ पर मैंने जो है हमारा जो झोल झाड़ते वो लिया है। मेरा सबसे पहले मैं जो झोल होते हैं दीवार वगैरह में, तो मैं वो झाड़ रही हूँ। ऐसे तो ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा मोड़ा जो कोने वगैरह में होते हैं वो मैं झाड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, एक मेरी फ्रेंड है जिनका नाम है माही यादव, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। तो बस आप लोग प्लीज़ उनको भी फ्रेंड बना लीजिए। वो मुझे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे मुझे वीडियो में नाम लेने से, मैं नाम लाया। उनका नाम है माही यादव, तो प्लीज़ आप लोग हो सके तो प्लीज़ उनको भी सपोर्ट कीजिए, उनको फ्रेंड बना लीजिएगा। तो बस मैं अच्छे से यहाँ पर जो है झाड़ ले रही हूँ अच्छे से झोल जितने भी हैं। तो उसके बाद फिर मैं करूँगी वॉल की क्लीनिंग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड में भी बहुत सारे झोल हैं, तो मैं उनको अच्छे से क्लीन करूँगी। और ऐसे तो मैं अच्छे से करते ही रहती हूँ, ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, पर फिर भी कभी कभी कुछ दिन हो जाते हैं तो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो बस ज़्यादा झोल नहीं, तो मैंने झोल को अच्छे से सफाई कर ली है। और दीवार में पता नहीं हमारा जो यहाँ पे, बस मैंने सर्फ में जो कपड़ा है, और मैं दीवार मेरा काफ़ी ज़्यादा गंदा, ऐसे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, दिखाई देता ही होगा, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गंदा रहते हैं ना फ्रेंड्स। तो वो थोड़ा सा डस्ट एरिया है, तो काफ़ी जल्दी जो है कोई भी मतलब डस्ट से जल्दी गंदी हो जाती है। और मेरे बच्चों का कमाल है, खेलते वेलते रहते हैं दीवार में, लिखते रहते हैं, गंदी हाथों से छू देते हैं दीवार को पानी वाली हाथों से, इसलिए काफ़ी दाग हो जाते हैं। तो बस आज मैं वही सर्फ लगा कर के कपड़े में और पूरे, और काफ़ी इसको मेहनत लगती है साफ़ करने में, पर क्या करें, करना तो है। तो बस मैं अच्छे से ज़ोर ज़ोर से लगा रही हूँ दीवार को, ताकि जो है, और ये हमारा जो दीवार वो पुट्टी किया हुआ है, तो बस अच्छे से मैं इसी तरह से पूरे दीवार की सफाई करूँगी। तो ये जो मेरे दो साइड का जो दीवार है, तो वो काफ़ी गंदा है, तो बस अच्छे से मैं लगा ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो मुझे सपोर्ट नहीं करते, पता नहीं क्यों क्या हो जाता है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस मेरे दीवार साइड का तो हो गया, तो मैंने इधर दिखाया, देखिए काफ़ी दाग है। तो बस मैं अच्छे से पोंछ ले रही हूँ, और काफ़ी हाथों में दर्द हो जाता है, क्या बोलूँ, ये बच्चे भी नहीं समझते हैं, और जब वो कुछ करते हैं तो मैं देखती भी नहीं हूँ वो किस समय कर देते हैं ना। तो बस फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट कीजिए। बहुत ऐसा होता है ना कि इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते, इतनी मेहनत करते, पर कुछ नहीं होता है, बहुत बुरा लगता है। कभी कभी तो मन करता है कि बिल्कुल भी मतलब वीडियोस वगैरह कुछ नहीं बनाए, सब कुछ छोड़ दें, पर क्या करें, एक उम्मीद है, बस उम्मीद को लेकर के चल रहे हैं। तो बस ये देखिए, यहाँ पे बच्चों ने दीवार पे काजल वगैरह लगा दिया। तो फिलहाल मैं आज वॉल की क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद फिर मैं तो ये देखिए, अब देख रहे कितना जो है कि यहाँ पे दाग वगैरह हो चुके हैं। तो बस इधर का भी मेरा क्लीनिंग हो चुका है। और ये इधर देखिए, इधर की दीवार देखिए, आपको काला काला दिखता होगा, तो देखिए जो मैं लगा रही हूँ तो कैसे ये वहाँ वाइट हो जा रहा है। और ये सब मेरे बच्चों लोगों ने ही किया है, पता भी नहीं चलता कैसे कर देते हैं।
तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सपोर्ट आप लोग का, क्योंकि मेरे पास क्या होता है ना, मुझे मैं कभी कभी हो जाता है, मैं कभी किसी फ्रेंड्स के वीडियोस पे नहीं जाती हूँ कभी, तो वो मेरे वीडियोस पे आते नहीं हैं, पता नहीं क्यों, तो ऐसे कैसे होगा, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। कैसे तो लगता है कि जैसे चैनल ही बंद कर दूँ, क्योंकि बहुत हस्बैंड्स भी मेरे पूछते रहते हैं क्या हो रहा है, कुछ नहीं बेकार बनाती हो तो कुछ नहीं होने वाला है, पर फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं चलो मुझे कुछ करना है, और मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फिर भी सबकी वीडियोस पे जाओ, फिर खुद की भी करना, तो कभी ना कभी कोई ना कोई फ्रेंड्स छूट ही जाते हैं, तो प्लीज़ हो सके तो आप लोग जो भी, प्लीज़ अगर मैं किसी की वीडियोस पे नहीं जा पाती तो कभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि खुद आप सोचिए मेरे दो बच्चे हैं, घर देखना, हस्बैंड को देखना, फिर घर संभालना, बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बस इसलिए मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी कि प्लीज़ अगर किसी की वीडियोस पे ना जा पाओ तो ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों को भूल गई हूँ, तो बस, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत मायने रखता है, तो बस देखिए करते करते मेरा कितने अच्छे से क्लीनिंग हो गया, और सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है इस यूट्यूब के चक्कर में, बहुत बहुत मतलब सोचिए तो मैं सारे, मुझे आराम तो करने का टाइम ही नहीं मिलता, बस दिन इतना मेहनत है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इस यूट्यूब में, तो बस क्या करूँ, फिर भी जब आ गया है तो सोचती हूँ कि चलो देखते हैं कुछ दिन करके क्या होता है। ये मैंने साफ़ कर दिया है, पर अब मैं साफ़ पानी से इसको, साफ पानी से दो बार और धोऊंगी, और देखिए कितना अच्छे से साफ भी हो गया, इसे मैं दो बार पोंछूंगी इस तरह से ताकि ये पूरा क्लीन लगे। क्या मैं आपको दिखाती हूँ, और देखिए काफ़ी हद तक ये क्लीन हो चुका है, बस इसे मैं दो बार और इसे साफ़ करूँगी अच्छे से, और ये देखिए मेरे दोनों बच्चे कैसे एक दूसरे के साथ सोए, तो आज मैं इनके साथ नहीं सोई ना, तो ये दोनों खुद ही एक दूसरे को पकड़ के सो गए, और मैंने उधर का भी जो दीवार है मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए इस दीवार को मैंने कितना साफ़ कर दिया, बस इसे मैं एक बार और तरह से कर करके पोछते जाऊंगी, तो मुझे आधा घंटा से ऊपर हो चुका है सफाई करने में, और देखिए काफ़ी मेरा जो दीवार है, बाल जो मेरा काफ़ी क्लीन हो गया, और इधर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, देखिए आप अपने देखा था दाग था तो वो भी छूट चुका है, तो बस यही था मेरा आज का वीडियो, और वॉल भी मैंने जो है देखी अच्छे से मैंने झाड़ दी, और काफ़ी इसमें कचरा था ये देखिए, तो वैसे तो मैंने बाकी को फेंक दिया, तो फ्रेंड्स आज का ये था मेरा वीडियो, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल अगर आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग।